हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस आतिया विद अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स इन लर्निंग, के लर्निंग में कौन कौन से बैरियर्स हैं। यहाँ पर मैंने मेन 7 बैरियर्स मेंशन किए हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव बैरियर्स, नंबर 2 इमोशनल बैरियर्स, नंबर 3 इन्वायरमेंटल बैरियर्स, नंबर 4 सोशो कल्चरल बैरियर्स, नंबर 5 मोटिवेशनल बैरियर्स, नंबर 6 लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड न्यूरो डाइवर्सिटी, एंड नंबर 7 टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। तो आइए इन तमाम बैरियर्स के बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव बैरियर्स पे। कॉग्निशन रेफर करती है मेंटल प्रोसेस को, जिसमें इन्वॉल्व है एक्वायर करना, उसके बाद प्रोसेस करना और उसके बाद अप्लाई करना न्यू इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सीखना, प्रोसेस करना और उसके बाद अप्लाई करना न्यू इन्फॉर्मेशन को। सो बहुत सारे कॉग्निटिव बैरियर्स हैं जो कि इफेक्टिव लर्निंग को उसमें रिकॉर्ड बन सकते हैं, जिस तरह के कॉग्निटिव ओवरलोड, नंबर 2 लैक ऑफ प्रायर नॉलेज यानी कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बारे में नामालूम होना, पता ना चलना, 3rd मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रटेशन, एंड नंबर 4 कॉग्निटिव बायसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड के बारे में। मालूमात की एज में सीखने वाले अक्सर डाटा की एक बड़ी मकदार से मकलूब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इल्मी इनके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। अब ये रुकावट न्यू इन्फॉर्मेशन को मौसर तरीके से प्रोसेस करने और बरकरार रखने की सलाहियत को रोकती है। नंबर 2 लैक ऑफ प्रायर नॉलेज यानी कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम ना होना या कम इल्म रखना, ये भी रुकावट बन सकती है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। 3rd मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रटेशन। अब ये क्या करती है, किस चीज़ को लीड करती है, कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इनकरेक्ट मेंटल मॉडल। नंबर 4 कॉग्निटिव बायसेस। इंसान तासुबात का शिकार है। ठीक है, अब ये जब तासुबात हैं, ये इंसान को दुरुस्त मालूमात के लिए या दुरुस्त मालूमात के हुसूल में रुकावट बन सकते हैं। 2nd इमोशनल बैरियर्स। इमोशंस लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो भी लर्नर्स या स्टूडेंट्स इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लर्निंग प्रोसेस को उतना ही उसमें इफेक्टिवली अचीव करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। लेकिन वो बच्चे जो इमोशनली टूट-फूट का शिकार होते हैं, तो उनके लर्निंग प्रोसेस में वो चीज़ें उतनी ही रुकावट का शिकार बनती हैं। अब इमोशनल बैरियर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का खौफ। यानी कि जिन बच्चों को फेल होने का हर वक्त खौफ रहता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में माइंडसेट बच्चों का बना दिया जाता है, तुमने क्या करना, तुम तो फेल ही हो गए, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर फियर पैदा करती हैं। या वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टॉपिक इतनी अच्छी समझ नहीं आती है, और फिर उन्हें जब पेपर में अटेम्प्ट करना होता है, तो उस टाइम वो उस कॉन्फिडेंस का उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वो खौफ रहता है रिज़ल्ट के टाइम पर, उन्हें पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, या टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उन्हें होता है कि हम इसमें फ़ेल हो जाएंगे। सो ये लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक इनके तोड़ सकता है, रुकावट बन सकता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। नंबर 2 लो सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी की वजह से बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते, सही से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। 3rd नेगेटिव माइंडसेट। बाज़ बच्चों का हंसी मजाक उड़ाकर या बच्चों के परसेंटेज पर या ग्रेड्स पर मजाक उड़ाकर बच्चों का माइंडसेट जो है वो नेगेटिव कर दिया जाता है एजुकेशन की तरफ। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चों को इस हद तक अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनके लिए उनके जहन में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है एजुकेशन को लेकर या पेपर्स को लेकर या तालीम को या इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो ये बच्चों का नेगेटिव माइंडसेट कर दिया जाता है, इसकी वजह से बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। नंबर 4 स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अगर बच्चों को स्ट्रेस हो कि कल को पेपर है या कल टेस्ट है या क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, याद नहीं हो रहे, या घर में कोई एक्टिविटी और चल रही है और बच्चों का पेपर है, ये कंटेंट समझ नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें बच्चों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। बाज़ ऐसा होता है कि टीचर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते या पूछ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपनी बेइज्जती का खौफ होता है, या उन्हें लगता है कि टीचर्स उन्हें डांट डपट कर देंगे, या उन्हें लगता है कि टीचर्स की उन्हें सही से समझ नहीं आती है, तो ये चीज़ें बच्चों को स्ट्रेस देती हैं और बच्चे इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। सो ये हैं इमोशनल बैरियर्स जो बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बैरियर्स पर। जिस तरह से कॉग्निटिव बैरियर्स और इमोशनल बैरियर्स बच्चों की स्टडीज़ में रुकावट बनते हैं, अच्छी लर्निंग में रुकावट बनते हैं, इस तरह से एनवायरमेंटल बैरियर्स
भी बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ये बैरियर्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, लैक ऑफ एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज की कमी होना। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके में या हर जगह पर बच्चों के लिए लाइब्रेरीज, इंटरनेट की सहूलत, अच्छे टीचर्स की सहूलत, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की सहूलत मौजूद हो। तो अगर इसका लैक हो, यानी कि इसमें कमी हो, तो बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। नंबर टू, डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रप्शंस, बच्चा अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो भी बच्चों का लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होता है। नंबर थ्री, इनएडिक्वेट स्टडी स्पेस, स्टडी स्पेस का ना होना या कमी होना, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, किराए के घरों पर लोग रहते हैं, स्पेस कम है, कोई मेहमान आ गया है, या ख़ुद से अगर फैमिली के इतने मेंबर्स हैं और पढ़ने की जगह अगर नहीं मिलती है और शोर शराबा होता है, तो ये बच्चों की स्टडीज़ को बहुत अफेक्ट करता है, लर्निंग प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करते हैं। स्पेशली जब बच्चों के टेस्ट या पेपर्स हो रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, उस टाइम बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सो ये इन्वायरमेंटल बैरियर में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बैरियर है। नंबर फोर, नॉइस, टेम्परेचर एंड लाइटनिंग फैक्टर्स। बाज़ वक़्त ऐसा होता है शदीद गर्मी होती है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लाइट नहीं सही मिल रही होती, लाइट चली जाती है, या सही से रूम में लाइट मौजूद नहीं होती, वो भी इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा नॉइस, क्योंकि शोर शराबा अगर हो रहा हो आपके इर्द गिर्द, तो भी लर्निंग प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है। सो ये हैं सब के सब इन्वायरमेंटल बैरियर्स। अब हम बात करेंगे सोशो कल्चरल बैरियर्स पर। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स कैन इंट्रोड्यूस यूनिक चैलेंजेस टू द लर्निंग जर्नी, लर्निंग जर्नी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म के चैलेंजेस जो है वो लेके आता है। नंबर वन, लैंग्वेज बैरियर्स, यानी कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि देखिए, हम जैसे लोग उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनके लिए अब इंग्लिश के कोर्सेज बहुत हद तक डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वो अपनी मादरी ज़ुबान नहीं है और कौमी ज़बान नहीं है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से बहुत से लोग जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए दूसरी ज़बान में कोर्सेज करना बहुत हद तक डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद बात करेंगे कल्चरल डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स। इसमें यह है कि डिफरेंट कल्चर्स वेरी करते हैं मुख्तलिफ अप्रोचेस को लर्निंग और एजुकेशन की। सो अगर मिसमैच हो जाए, लर्नर जो प्रेफर कर रहा है लर्निंग स्टाइल और जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, अगर ये मिसमैच हो जाए, तो बहुत हद तक स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो, या लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट होता है। थर्ड वन, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या है जी, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स, टेक्नोलॉजी कैन हिंडर लर्निंग प्रोसेस। ये बैरियर्स इन इक्वालिटीज को क्रिएट कर सकता है। ठीक, नंबर फोर, डिस्क्रिमिनेशंस एंड स्टीरियोटाइपिंग। इसमें क्या है, कैन इम्पैक्ट लर्नर्स सेल्फ परसेप्शंस एंड मोटिवेशन, बच्चों की जो अपनी सेल्फ परसेप्शन है और मोटिवेशन है, ये उसको अफेक्ट करेगा। कैन लीड अ लैक ऑफ इंगेजमेंट। एंड थर्ड वन, कैन क्रिएट डिफ़िकल्टी द डिज़ायर टू लर्न, जो बच्चे की ख्वाहिश है लर्निंग की, उसको ये डेफिनेटली हिट करती है जाके। सो ये थे सोशो कल्चरल बैरियर्स। अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल बैरियर्स पे। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस की एक ड्राइविंग फोर्स है। जब तक देखें बच्चों को मोटिवेट ना किया जाए, बच्चे अच्छी एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिवली, उस चांस को अवेल करेंगे। बच्चों के अलावा भी कोई भी है, कोई भी इंसान है, कोई भी फर्द वाहिद है, जब तक आप उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई भी जो लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हर लम्हा सीख रहे हैं, तो हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो इस तरह से अफेक्ट होता है। सो बहुत सारे मोटिवेशनल बैरियर्स हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस को या इफेक्टिव लर्निंग को उसमें रुकावट बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, लैक ऑफ क्लियर गोल्स। बच्चे जो हैं उनको गोल्स क्लियर नहीं होते। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का भी हाथ होता है, बच्चों की जो मेंटेलिटी या इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से बच्चों को आगे से उनके सब्जेक्ट्स या फील्ड्स में जाने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चों को अपने गोल्स क्लियर नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उन्हें अपने करियर या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी इतना ख़ास लगाव नहीं होता। सो उन्हें अपने गोल्स क्लियर नहीं होते कि उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर है। सो लैक ऑफ क्लियर गोल्स जो हैं, ये मोटिवेशनल बैरियर में सबसे नंबर वन पर है, जो कि बच्चों की एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। नंबर टू, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड वन इज़ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। टाइम मैनेजमेंट अगर ना कर सके बच्चा, तो भी उनके लर्निंग प्रोसेस
बहुत ज़्यादा अफेक्शन आनी शुरू हो जाती है। ये इशारा करती है इनकम्प्लीट असाइनमेंट और रश्ड लर्निंग को, जल्दी 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 पढ़ना, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट ना करना। पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमेशा लर्निंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। फोर्थ वन इज़ बर्न आउट एंड लर्निंग फटीक। लर्निंग टास्क को अपने ऊपर ओवरलोड कर लेना, ठीक है, अब अपने ऊपर हावी कर लेना कि मैंने ये करना है करना है करना है, उसमें बच्चा स्ट्रेस का शिकार होता है और वो चीज़ें फिर बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं, बच्चे की लर्निंग रुक जाती है, इसमें रुकावट का बाइस बनती हैं। अब लंबे अरसे के लिए पढ़ना, फिर विदाउट ब्रेक पढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद को थकाना, बर्डन डालना, सो इससे क्या हो जाता है, इससे मोटिवेशन ब्रेक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है लर्नर के ऊपर और फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाता है इस चीज़ से। सो ये है मोटिवेशनल बैरियर्स। नंबर सिक्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड न्यूरो डाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया एंड ADHD, ऑटिज़म एंड अदर्स। असाबी तनाव वाले अफराद में सीखने के एक अलग अंदाज़ और प्रोसेस की सलाहियतें होती हैं। अब सीखने की माजूरी जो है पढ़ने लिखने, तवज्जो मरकूज करने और समझने पर असरअंदाज हो सकती है, इसलिए मौजूद तरीकों की ज़रूरत होती है। नंबर टू, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेशंस। इस बात को यकीन बनाने के लिए सीखने की माजूरी वाले अफराद मसावी शराइत पर तालीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं और इम्तिहानात के लिए इजाफी वक्त या मुतबादल सीखने के फॉर्मेट्स जैसी इन्हें आसाइशें फराहम करना ज़रूरी है। नंबर थर्ड, एड्रेसिंग स्टिग्मा एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव इन्वायरमेंट्स। सीखने की माजूरी से वाबस्ता बदमाग दाग पर काबू पाना और न्यूरोडाइवर्सिटी को अपनाना एक जामे माहौल है, एक जामे माहौल को फ़रोग देता है जहाँ तमाम सीखने वाले अफराद तरक्की कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स पर। अभी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कौन से हैं? सबसे पहला, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी। ऑनलाइन दौर है सीखने का और ऑनलाइन सीखने के प्लेटफॉर्म पर जाना और डिजिटल वसाइल का यूज़ करना महदूद डिजिटल ख्वानदगी के महारत रखने वाले अफराद के लिए मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो वहाँ से हट सकती है। नंबर टू, लैक ऑफ एक्सेस टू डिवाइसेस एंड स्टेबल इंटरनेट। अगर एक्सेस नहीं है डिवाइसेस तक और दूसरा अगर डिवाइसेस हैं और स्टेबल इंटरनेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लर्नर्स के लिए। थर्ड वन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान स्टूडेंट्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स रखते हैं और इन प्रॉब्लम्स का भी शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।